Dear friends, this is my first video regarding pledge of shares. जो पुराना सिस्टम था उसमें ब्रोकर्स शेयर्स एज ए मार्जिन पिकअप कर लेता था डीमैट अकाउंट से और उसके सामने सभी क्लाइंटों को लिमिट मिलती थी। अभी ये सिस्टम सेबी ने चेंज कर दिया है। क्लाइंट को स्पेसिफिकली उसके शेयर्स प्लेज में देने पड़ते हैं और क्लाइंट के कंसेंट के बिना ब्रोकर प्लेज में शेयर्स नहीं ले सकता है। ये इसलिए ज़रूरी था कि पहले जो ब्रोकर के हाथ में पूरा फ्रीडम था उसके कारण से काफ़ी ब्रोकर्स लोगों ने इसको मिसयूज़ किया, इसलिए सेबी ने नया सिस्टम बनाया है। नए सिस्टम के काफ़ी एडवांटेजेस भी है। प्लेज करने पड़ते हैं आपको, शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ही रहते हैं। डीमैट अकाउंट में रहते हैं, कुछ भी डिविडेंड है, राइट्स का फॉर्म है, बोनस वगैरह है, सब आपके डीमैट अकाउंट में डायरेक्टली आते हैं, ब्रोकर के पास नहीं जाते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी सिंपल कर दिया है सिस्टम। सिर्फ आपके डीमैट अकाउंट के स्टेटमेंट में एक रिमार्क करके आता है कि ये शेयर्स प्लेज किए हुए हैं, तो इसके लिए वो रिफ्लेक्ट होता है कि भाई ये प्लेज में डाले हुए शेयर्स। प्लेज के बेनिफिट्स काफ़ी है ना। बहुत सारे क्लाइंट्स, ये वीडियो में खास इसके लिए बना रहा कि बहुत सारे क्लाइंट्स बोलते हैं कि नहीं, हमको प्लेज में नहीं रखने हैं शेयर्स, मैं चेक दूंगा, क्रेडिट बैलेंस रखूंगा ब्रोकर के अकाउंट में। इन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि प्लेज का सिस्टम काफ़ी सेफ है, सेबी ने इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है, तो आपको प्लेज में रखने चाहिए शेयर्स, तो काफ़ी स्मूथली चलेगा काम। चेक भी रख सकते हो आप, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जब भी आप शेयर परचेज करो बाद में चेक दे दो उसका मतलब, पहले से चेक देने की क्या ज़रूरत है क्रेडिट बैलेंस रखने की। प्लेज में जितने ज़्यादा शेयर्स रहेंगे उतना स्मूथली चलेगा सिस्टम। दूसरी बात है कि प्लेज का ये भी एडवांटेज है कि आपने ज़्यादा शेयर्स प्लेज में रखे हैं तो अभी आप BTST नहीं कर सकते बहुत सारे केसेस में कि भाई मार्जिन कम पड़ रही है। शेयर्स प्लेज में रहेंगे और सफिशेंट क्वांटिटी में रहेंगे तो आप BTST जैसे पुराना सिस्टम था भाई आज शेयर्स लो और कल बेचो वो आराम से कर सकते हैं। दूसरी बात है कि प्लेज का सिस्टम में एक चार्जेस लगते हैं जो डिपॉजिटरी सर्विसेज लगाती है, CDSL या NSDL है, वो लोग चार्जेस लगाते हैं। चार्ज 10 rupees प्लस GST है प्रेजेंटली। आप समझो रिलायंस के 100 शेयर प्लेस करो या 1 lakh share प्लेस करो, चार्जेस 10 rupees ही है। सिमिलरली जब अनप्लेज होता है तो उसके भी चार्जेस लगते हैं, वो भी 10 rupees प्लस GST है। अनप्लेज का एडवांटेज ये है कि अगर आप मार्केट में शेयर्स बेच रहे हो तो ब्रोकर ऑटोमेटिक अनप्लेज करके मार्केट में डिलीवरी उतार सकता हो। तो बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि मैंने प्लेज में रखे हैं शेयर्स और मुझे डिलीवरी बेचनी हो तो मैं बेच नहीं सकूँगा, वैसा कुछ नहीं है, आप डिलीवरी आराम से बेच सकते हो। दूसरी बात यह है कि प्लेज में रखने से शेयर्स आपको लिमिट मिलेगी। ये सब उसी स्क्रिप्ट के लिए है जिसमें दोज आर एलिजिबल स्क्रिप्ट, ए ग्रुप बी ग्रुप के सेलेक्टेड स्क्रिप्ट है, उसमें प्लेज में आपको मार्जिन मिलती है। जैसे टी ग्रुप के स्क्रिप्ट है या कोई और स्क्रिप्ट है जिसमें ज़रा ट्रेडिंग नहीं है, जो अप्रूव नहीं है स्क्रिप्ट, उसमें आपको लिमिट नहीं मिलेगी। अगर आप प्लेज में रखोगे तो भी ऐसे प्लेज पड़े रहेंगे लेकिन उसमें लिमिट नहीं मिलती है। अभी प्लेज का प्रोसीजर क्या है, आप खुद आपके बैक ऑफिस से प्लेज रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो या ब्रोकर को बोल सकते हो कि प्लेज की रिक्वेस्ट जनरेट करें। प्लेज की रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद आपको SMS आता है, NSDL में अकाउंट है तो NSDL से आएगा SMS, या CDSL में है तो CDSL में आएगा। SMS के साथ आपको ईमेल भी आता है, तो मतलब जहाँ पर भी आपको कन्वर्ट है वहाँ से आप क्लिक करके इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अभी इसमें कैसे करना है, इसको ऐसे करना है कि उसमें एक ब्लैंक आइकॉन आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको आपका पैन नंबर डालना है, फिर कौन कौन से शेयर्स आपको प्लेज में रखने हैं उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप करेंगे तो उसमें एक OTP आता है, OTP भी SMS और ईमेल दोनों जगह आता है, तो OTP आप डाल के उसको कन्फर्म करेंगे तो ये प्लेज में जाएगा। मतलब ये काम क्लाइंट को खुद करना है, ब्रोकर के हाथ में नहीं है ये, इसलिए ये सेफ्टी क्लाइंटों की सेफ्टी के लिए बनाया गया है और इसमें रिस्क बिल्कुल नहीं है, पहले से बेटर सिस्टम बनाया गया है। दूसरी बार और एक बता दूं कि बहुत सारे क्लाइंटों में मिसकंसेप्शन है कि क्लाइंट के शेयर्स ब्रोकर ने मिसयूज़ कर दिए तो प्लेज में रखे हुए, वैसा कुछ नहीं है। आजकल मार्केट पेन के शेयर ब्रोकर को ब्रोकर कहाँ पर भी शेयर्स क्लाइंट के कंसेंट के बिना ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। जैसे मुझे भी शेयर से मेरे एक अकाउंट से समझो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं तो मैं इंस्ट्रक्शन स्लिप दूंगा, उसके बाद भी मुझे एक लिंक आएगा,
लिंक पे मैं क्लिक करूंगा और मैं ऑथोराइज करूंगा मैं, उसके बाद ही वो शेयर ऑफ मार्केट ट्रांसफर होंगे। मतलब ऑफ मार्केट ट्रांसफर का भी सिस्टम सेबी और सब डिपॉजिटरीज वगैरह से काफ़ी फुल प्रूफ हो गया है, तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है वो भी। मतलब सेबी इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू मिनिमाइज द रिस्क टू द क्लाइंट्स। तो ये अच्छा है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8080106880 और ईमेल आईडी है marketsb1012@gmail.com। मैं वापस से रिपीट करता हूँ, व्हाट्सएप नंबर 8080106880 और ईमेल आईडी है marketsb1012@gmail.com। मैं ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। ये मैं मेरे YouTube चैनल में भी डाल रहा हूँ, तो उसको जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। और कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए उसकी जरूर फीडबैक मुझे दीजिएगा। थैंक यू जी, हैव अ नाइस डे।